जब इंसान कठिन समय से गुजरता है ना, तो वो समय के साथ में चुनौती लेता है, स्वयं के साथ में लड़ता है, समय के साथ में लड़ता है, और उसमें आपको महादेव का भक्त होना किस तरीके से आगे बढ़ाता है, वो 8 पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं कि नौच ले दबोच ले, नौच ले दबोच ले, करना है क्या तू सोच ले, नौच ले दबोच ले, करना है क्या तू सोच ले, देखें ज़रा तेरी गति, देखें ज़रा तेरी गति, तू काल है मचा अति, देखें ज़रा तेरी गति, तू काल है मचा अति, बना दे या तू कर प्रलय, बना दे या तू कर प्रलय, मैं जीव हूँ मिटना है तय, फिर भी मगर टकराऊँगा, फिर भी मगर टकराऊँगा, कदम ना एक डिगाऊँगा, भोगी हूँ हर हाल का, मैं भक्त हूँ महाकाल का। धन्यवाद। अच्छा, लिखना बहुत ही जो होता है ना, एक ये जो कला है लिखने की, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई कीमत आपको दे नहीं सकता, ना कोई कीमत लगा सकता है, और ये अपने आप में ही अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स की तरह आप भी दुनिया में एक अनोखे और अलौकिक इंसान हैं, अद्वितीय इंसान हैं, तो जो भी आप लिखते हैं वो यूनिक होता है, ध्यान रखें। और ये लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, लोग हम लिखना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि अब क्या लिखें, अब क्या लिखें, तुकबंदी नहीं मिल रही है, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं यहाँ आके सुनाऊंगा आप ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे, तो अप्रिसिएशन मिले नहीं मिले, लेकिन हम लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है, चलो हम सामने वाले माझी से ही पूछ लेते हैं, साकी भी कह सकते हैं उसको, कुछ लोग यहाँ जो शौकीन होंगे उनके लिए साकी भी हो सकता है, तो साकी से ही पूछ लेते हैं कि तुम क्या चाहते हो, हम क्या लिखें आखिर, तो अपने श्रोतागढ़ से ही पूछ लेते हैं क्या जाए, तो उसी पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कुछ शुद्ध हिंदी के शब्द भी आएंगे, आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे और है ना अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू। अलंकार या छंद को, अलंकार या छंद को, या अंतर मन के द्वंद को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूँ, अलंकार या छंद को, या अंतर मन के द्वंद को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूँ, अनजाने आघात को, अनजाने आघात को, देर से उठे जज्बात को, बात से निकली बात को, या दिन निगलती रात को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं। अंदर लगी इस आग को, अंदर लगी इस आग को, तन में जागे भाग को, बिन तेरे अधूरे ख्वाब को, या कलेजा जलाती शराब को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं, अब तुम ही बताओ क्या लिखो। जिक्र तेरा जब आता है, जिक्र तेरा जब आता है, क्यों ऐसा हो जाता है, लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर हाथ पीछे रह जाता है, कलम की इस नादानी को, कलम की इस नादानी को, कागज़ पे बिखरी निशानी को, किसी कविता और कहानी को, या शब्दों की मनमानी को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं। तन्हाई के ताप को, तन्हाई के ताप को, न मिटती तेरी छाप को, तन्हाई के ताप को, न मिटती तेरी छाप को, जख्म के बढ़ते नाप को, तुम्हें या अपने आप को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं। चार लाइनों में थोड़ी सी ठरक भी आई लास्ट में, तो वो भी सुना देता हूँ अंतिम पंक्तियाँ कि मर्स पकड़ती नाड़ी को, मर्स पकड़ती नाड़ी को, मेरी एक पहिए की गाड़ी को, तुम पर जस्ती इस साड़ी को, तुम पर जस्ती इस साड़ी को, या अपनी पक रही इस दाढ़ी को, अब तुम ही बताओ क्या लिखूं, अब तुम ही बताओ। थैंक यू।